हेलो माय डियर फैमिली, अगर आपको टेंथ बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आर एस अग्रवाल से। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं पार्ट वन दूंगा, इसके बाद मैं पार्ट टू भी लाऊंगा, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले। ओके, मैं अपने चैनल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक यहाँ पे आ रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, आज जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस से करा रहा हूं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व, बस हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर लाना है, यानी कि एक्स की वैल्यू लानी है, बस और कुछ भी नहीं करना है। पेपर में भी आपको बस यही लिख के आएगा, ठीक है ना। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, ये पूरा टर्म है, ये इस पर हाइस्ट पावर कितनी है, इस पर हाइस्ट पावर है 2। अगर किसी वेरिएबल पे हाइस्ट पावर 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, याद रखिएगा हाइस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ये मैंने आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हर वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन इस तरीके की इक्वेशन कैसे सॉल्व करें ये मैंने नहीं समझाया, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है वो सीख लीजिए। पहले आप इसको नोटिस करिए कि यहाँ पे जो ब्रेकेट के अंदर है वो क्या है, ब्रेकेट के अंदर है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। इस ब्रेकेट के अंदर क्या है, इस ब्रेकेट के अंदर भी भाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, में दोनों जगह बिल्कुल सेम चीजें हैं कि नहीं। तो हम लेट कर लेंगे इसको, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को लेट कर लेंगे पी, क्या लेट कर लेंगे, पी लेट कर लेंगे। ओके, आप चाहिए, आप चाहे तो ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लेट करिए, मैंने पी लेट कर लिया। ओके, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, जो भी अंदर वाला पार्ट हो वही लेट करना है, याद रखिएगा, अगर सेम होगा तो लेट करना है, ऐसा नहीं करना है कि अलग हो ये अलग हो, ये नहीं। अभी ऐसा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा जब यहाँ पे अलग हो यहाँ पे अलग दे रखा होगा, तो जब सेम दे रखा हो तो मैंने क्या लेट कर लिया, पी लेट कर लिया। अब देखिए इसके प्लेस पे क्या रखना है, पी रखना है, तो पी स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया, फिर माइनस का फाइव है, माइनस का फाइव लिख दिया, फिर इसके प्लेस पे क्या रखना है जी, इसके प्लेस पे तो पी है, तो यहाँ पे पी, ब्रेकेट हट जाएगा, ठीक है ना, ब्रेकेट नहीं आएगा, प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए बन गई हमारी क्वाड्रेटिक, क्योंकि जो पी है वेरिएबल है ना पी, उसमें हाइस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, मैंने वीडियो बना रखी है, मैं समझाऊंगा नहीं अब, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप प्लीज देखिए जाके। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो से इसकी कंपेयरिंग करते हैं। ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हम इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे पी है, लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल मैंने लिया है, एक्स लिया है, तो यहाँ पे मैं एक्स नहीं ले सकता, जो मैंने यहाँ लिया है वही मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, मैंने आपको समझाने के लिए एक्स लिखा था, बस ये पी हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा, जी हाँ यहाँ पे भी हो जाएगा पी। ओके, अब देखिए हमको चाहिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, हम ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की भी वैल्यू निकालेंगे एंड फिर सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर के आगे ए, यहाँ पी स्क्वायर के आगे कुछ है, कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं हुआ वन होता है, तो जो ए की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, वन। हमको बस जो भी ये लिखा है ना वेरिएबल, उसके मल्टीपल में क्या है वो देखना है, सेम वेरिएबल के मल्टीपल में देखना है, वही इसकी वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पी के आगे बी, यहाँ पे पी के आगे माइनस का फाइव, तो जो बी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, माइनस की फाइव, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू सिक्स की हो जाएगी, देखिए यहाँ भी पी नहीं है, यहाँ भी पी नहीं है, तो जो सी है वो बिना किसी वेरिएबल का है, ये भी बिना किसी वेरिएबल का है, तो जो सी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी, हो गई कंपेयर। अब हम लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमारा होता है क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, यही तो होता है ना, ठीक है ना, तो d इज इक्वल टू फिर है माइनस का बी स्क्वायर, तो b कितना है, b हमारा माइनस का फाइव है, तो इसके प्लेस पे रख देंगे माइनस का फाइव, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस का, फिर फोर, फिर a कितना है वन, मल्टीप्लाई में वन, c कितना है, c सिक्स है, मल्टीप्लाई में सिक्स। ओके, क्लियर इतनी बात, बिल्कुल सही ना, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो d इज इक्वल टू माइनस फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो माइनस फाइव के कितनी पावर है, टू पावर है, तो माइनस फाइव की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, आई बात समझ में, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस फाइव, फाइव जा
25, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 प्लस का होगा, प्लस हम लिखते नहीं है, प्लस हटाइए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए फिर है माइनस, लग गया माइनस, फिर देखिए 6 बन जा 6 और 6 4 जा 24, जो d आ गया वो कितना आ गया जी, d आ गया 25 माइनस 4 कितना होता है जी हाँ 1 होता है, तो d हमारा आ गया 1। अब हम लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट d अपॉन 2a, ओके यही होता है ना। तो x यहाँ पे, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है p, तो हम x नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना है यहाँ पे p लिखना पड़ेगा, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे होगा इक्वेशन में हमको वही वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, क्लियर है। अब p इज इक्वल टू माइनस का b, b कितना है, b हमारे पास है, सॉरी मैंने स्मॉल b लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, अब स्मॉल b लिखिए कोई टेंशन नहीं, b कितना है माइनस का 6, तो इस b के प्लेस पे माइनस का 6 लिख देंगे, और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस है, ठीक है, फिर रूट डी है, अंडर रूट डी कितना है, डी हमारा 1 है, डी के अपॉन में 1 हो गया, डी के मतलब प्लेस में 1 हो गया, 2 इंटू ए, ए कितना है, ए हमारा 1 है, ए कितना है, ए 1 है, तो मल्टीप्लाई में 1। यहाँ पे आप चाहो तो कैपिटल लिख लो वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप कैपिटल लिख लो, ओके अब तो सही है। अब देखिए पी इज इक्वल टू 6, फिर प्लस माइनस रूट 1 कितना होता है, रूट 1 का 1 ही होता है, 2 बन जा 2, तो हमारी p की इतनी निकल आई। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लस भी है माइनस भी है, तो आप सोचेंगे कि इसको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, तो हम बारी बारी से दोनों चीज़ें करने वाले हैं, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पहले हम लेंगे टेकिंग, क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं पॉजिटिव, पहले हम प्लस का साइन लेंगे, किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 6 प्लस 1 अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2, ओके तो कितना आ गया 7/2, यही तो है, क्लियर है, 7/2 हमारा आ चुका है। एक सेकंड, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, मुझे 5 लिखनी थी, सॉरी मिस्टेक से मैं 6 लिख गया, ओके 5 है, ओके ये 5 है, तो 5+1 कितना होता है, 5+1 होता है 6, 6/2 कितना हो गया जी हाँ हो गया 5+1/6 6/2 हो गया 3, तो पी की पहली वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम लेंगे निगेटिव, क्या लेंगे निगेटिव, तो टेकिंग माइनस यानी टेकिंग निगेटिव लेंगे, पहले हमने प्लस लिया तो प्लस लिया, माइनस वाला हमने हटा दिया, माइनस नहीं लिखेंगे, फिर हम लेंगे माइनस, तो p इज इक्वल टू 5 माइनस का 1 अपॉन 2, तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना था 4, अपॉन में कितना है 2, डिवाइड होगा कितना हो गया 2 हो गया, तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई, p इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, कैलकुलेशन है नॉर्मल और क्या है कुछ नहीं है। तो जो p की वैल्यू पहली आई है 3, दूसरी आई है 2। अब आप सोचेंगे सर ये दो वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही वैल्यू निकलती है वेरिएबल की, यहाँ पे p एक वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो ये दूसरी ये, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए है x की, p की नहीं चाहिए है, हमको आंसर x में लाना है, याद रखिएगा p तो हमने लेट किया है ना, आंसर p में नहीं चाहिए, ये आंसर गलत है, यहाँ आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर आपके कट जाएंगे। अब क्या करना है क्वेश्चन में, इसके लिए मैं थोड़ा इरेज करूंगा, तो जिसको भी उतारना है उतार सकता है, ओके। देखिए हमारी पहली p की वैल्यू आ गई 3 एंड सेकंड p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम बारी बारी से दोनों वैल्यू रखेंगे, पहले हम रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3, पहले हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे इसमें 3 पुट करेंगे, याद रखिएगा हमको दोनों वैल्यू पुट करनी है, पहले हम इसमें 3 पुट करेंगे, तो इस p के प्लेस पे हम रख देंगे 3, जो 3 है ना ये वाला जो आया है यहाँ पे वो हम यहाँ रख देंगे, बस बात खत्म। तो x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख दिया 3। अब हम करेंगे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, यही तो करते हैं ना, पहले जब इसकी इससे करेंगे तो पहले 3 की x ही होगी, तो 3 की x से कितनी हो जाएगी जी हाँ 3x, फिर प्लस, फिर 3 की 1 से होगी तो कितनी हो जाएगी 3, याद रखिएगा 3 की पहले x से होगी, फिर 3 की 1 से होगी, फिर इक्वल टू x की 1 से होगी कितनी आ जाएगी x आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे x को अकेला करेंगे, क्या करेंगे x को अकेला करेंगे, देखिए किस तरीके से, जो x x वाले हैं उनको एक साथ ले लेंगे, तो पहले 3x ये लिखा हुआ है, ये जो x है इधर जाएगा किसका हो जाएगा जी हाँ माइनस का हो जाएगा, क्यों माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, कोई भी चीज़ कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो अपने साइन को चेंज करता है, प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया फिर इक्वल टू, और जो 3 है एक्स अकेला कर रहे हैं ना, इसके साथ जो प्लस का 3 लगा है वो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा जी हाँ माइनस का हो जाएगा, मतलब ये प्लस का इधर हो गया माइनस का, ये इधर गया प्लस से क्या हो गया माइनस का, दोनों चीज़ें माइनस में हो गई, ओके। अब 3x - x कितना हो जाएगा जी हाँ हो जाएगा 2x, कैसे निकाला, क्योंकि x के आगे कितना है जी हाँ 1 होता है, ये 3 है तो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे x तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, तो 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचता है, इक्वल टू यहाँ कितना बचा माइनस का 3। अब देखिए कैसे सॉल्व होंगे इसे, अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, अब ये कैसे आया, x अपनी जगह पे, इक्वल टू अपनी जगह पे, माइनस का 3 अपनी जगह पे, जो 2 है वो ऊपर से कहाँ चला गया,
जी हाँ नीचे आ गया, ये ऊपर से कहाँ गया, नीचे, यानी कि जो मल्टीप्लाई में चीज होती है वो इक्वल टू किधर आके किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई में किस में था, कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। तो एक्स की पहली वैल्यू आ गई माइनस की 3/2, यानी कि हमारा पहला आंसर निकल आया, ये हमारा आंसर है। अब हम पुट करेंगे एफ पी इज इक्वल टू 2, क्या पुट करेंगे हम, पी इज इक्वल टू 2, तो पुट करिए जल्दी फटाफट से, पुट करेंगे हम, अब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पी इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, हमको दोनों वैल्यू एक एक करके पुट करनी है, तो इस पी के प्लेस में बस 2 रख देंगे, तो हमारा जो x अपॉन x प्लस 1 है वो ऐसा ही रहेगा, फिर इक्वल टू ऐसा ही है, इस पी के प्लेस पर रख देंगे 2, बात खत्म। और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते आए हैं, इसकी इससे कराएंगे पहले, तो कितनी हो जाएगी 2 के x से 2x, फिर प्लस, फिर 2 की 1 से 2, क्लियर है इतना, फिर इक्वल टू x की जब से कराएंगे तो x ही रहेगी। अब हम x x वाले एक साथ ले लेंगे, जो 2x है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये जो वाला x है वो इधर चला गया, माइनस का x हो गया, इक्वल टू ऐसे ही है, जो 2 इधर है वो माइनस का हो गया, यानी कि मैं x x वालों को एक साथ लिख लिया और 2 को साइड में कर दिया, हटा दिया, तो ये जो प्लस का था इधर चला गया, माइनस का हो गया, जो प्लस का था वो इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा, क्यों, क्योंकि x के आगे यहाँ पे 1 है, और 2-1 नंबर देखिए, सिर्फ नंबर, 2-1 कितना होता है, 1 होता है, यही तो होता है, 2-1 दो में से एक, एक ही तो बचेगा, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे x, तो यहाँ पे x लिख गया, ओके, फिर इक्वल टू माइनस के 2, तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस के 2, जो यहाँ 1 होता है उसको कोई मतलब नहीं होता, मल्टीप्लाई में 1 लगा ही रहता है चाहे कोई भी चीज़ हो, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2 आ गई, तो हमारे दो आंसर आ गए। तो हमारा यही क्वेश्चन अब खत्म होता है, मैं आपको इसके होमवर्क भी दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में यहाँ पे आ रही होगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है, यही तो आ रहा ना दिमाग में, लेकिन भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको सॉल्व करके ही पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको ये भी आ सकता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन ये भी लिख के आ सकता है, या ये भी लिख के आ सकता है कि सिर्फ सॉल्व करिए, दोनों ही चीजें हो सकती हैं भाई, तो हमको बस इसको पहचानना पड़ेगा अपने तरीके से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कैसे पहचानना मैं आपको समझाता हूँ, आप इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ पे लिखा है x माइनस 1, यहाँ पे लिखा है x प्लस 3, यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 3 x माइनस 1, अभी तक जो मैंने इससे पहले आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें बिल्कुल सेम चीजें थी, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ फर्क आ रहा है, डिफरेंस है। देखिए डिफरेंट क्या है यहाँ पे, कि इसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, यही तो लिखा है, ध्यान से देखिए ना, उल्टा लिखा है बस, ये उल्टा लिखा है बस, ऊपर नीचे। तो हम क्या कर लेंगे, किसी भी एक को ए ले लेंगे, मतलब आप पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी लेट कर लिए, हमको लेट तो करना ही पड़ेगा। तो हमने पहले लेट कर लिया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, मैंने पी ले लिया, क्या ले लिया, पी ले लिया। अब बात समझिएगा, अगर मैंने इसको पी लिया है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वन, ये देखिए, ये मैंने ये लिख दिया और ये मैंने ये लिख दिया, ये मैं क्यों ले लूँ, क्यों आर ए बी सी डी कुछ ले लूँ क्या, नहीं ऐसे नहीं लेना है, इसी के जैसा ही लेना है, उल्टा ही तो है बस, इसको आप खुद देखिए ना, इसका उल्टा है, तो अगर मैंने इसको पी लिया है तो इसका उल्टा ही तो यहाँ पे होगा, समझे कि नहीं, मतलब सेम इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसके नीचे होता है वन, क्या होता है वन, जहाँ पे कुछ नहीं होता वन होता है, इसको अगर आप पलटेंगे उल्टा करेंगे तो वन ऊपर आएगा और पी नीचे आएगा, यानी कि x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, और x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू पी, क्लियर है कि नहीं बात, ये सेम इसका उल्टा लिखा हुआ, इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया है, बस हमने लेट कर लिया चीज़ों को। अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, बस खत्म क्वेश्चन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी, ब्रेकेट में रखिए चाहे मत ब्रेकेट में रखिए, चलिए मैं ब्रेकेट हटा दे रहा हूँ, ब्रेकेट हटाना ही पड़ेगा, फिर माइनस का सेवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे हो जाएगा 1 अपॉन पी, तो मैं इसके प्लेस पे रख दूंगा 1 अपॉन पी, तो 1 अपॉन पी को मैं ये लिख दूं, कोई दिक्कत बताइए, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, समझे कि नहीं, जो 1 था ये वाला वो 7 से मल्टीप्लाई कर गया, 7 बन जा 7, जो पी नीचे वाला था वो पी नीचे ही है, फिर इक्वल टू में कितना लिखा है 5 लिखा है, तो जो इक्वल टू का 5 है मैं उधर ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है कि इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे होगा जब मैं 5 को उधर ले जाऊंगा, ये प्लस है, इसके आगे क्या लगा है, प्लस लगा है, जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लेंगे, अपॉन में 1 लगाइए, अपॉन में 1 लगाइए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पे पी ही अकेला है जो एलसीएम लेने लायक है, क्योंकि पी से अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पी की इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी ही आएगा, क्योंकि पी बन जा
पी तो हमारा एलसीएम हो गया, पी मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते हैं। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये जो नीचे वाला वन देख रहे हैं, नीचे वाला पी है, इसको डिवाइड करेंगे आपस में। तो अगर वन से आप पी को डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है ना, आप पी को वन से डिवाइड करके देखिए, तो आपके पास जो बचेगा वो पी बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ पी बचेगा, पी बचेगा। आप वन से पी को डिवाइड करिए, पी ही बचेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, याद कर लीजिए। जो पी बचा है उसकी इस वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से, जब इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा हमारा टू पी स्क्वायर। क्या आएगा? टू पी स्क्वायर। नहीं समझे? देखो भाई, इस वन की इस पी से डिवाइड करिए, ठीक है ना। आप जब वन से पी की डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पी ही बचेगा। और इस पी की मल्टीप्लाई हम इस वाले से करेंगे, इस वाले से। जब पी की मल्टीप्लाई टू पी से करेंगे तो टू तो हमारा वैसे का वैसा ही है, और पी पी से मल्टीप्लाई करेगा, और पी पी से मल्टीप्लाई करता है तो क्या बन जाता है? पी स्क्वायर बन जाता है। मैं दिखा दूँ आपको, पावर वन होती है, पावर वन होती है, जो पी है वो यहाँ लिखा हुआ है, और इन दोनों पावर ऐड हो जाती है, तो वन वन कितना हो गया? टू हो जाता है। क्यों हो जाता है टू? क्योंकि ऐड हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगी है मल्टीप्लाई। अगर दो वेरिएबल सेम वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई लगी होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो हो गया पी स्क्वायर। फिर माइनस है, माइनस लग गया, सेवन था, सेवन मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी आप देखिए, पी जो है इस पी से इस पी को डिवाइड करेंगे, इस पी से इस पी को डिवाइड करेंगे। जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? वन आता है। वन की सेवन से मल्टीप्लाई, सेवन ही रहेगी। आई बात समझ में? फिर माइनस से माइनस लगा दीजिए। ओके, इतनी बात समझ में आ रही? क्लियर है सब कुछ भाई? अब देखिए, वन से फिर पी को डिवाइड करेंगे, नीचे वन है ना, वन से पी को डिवाइड करेंगे, फिर से पी आएगा। पी की फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव पी आएगा। यही होता है एलसीएम लेने का तरीका। बहुत बहुत स्टूडेंट ऐसे जिनको ये चीज़ आती ही नहीं कि एलसीएम हम कैसे लें। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, पहले वन की पी से डिवाइड की, कितना आया? पी आया। इस जो पी आया उसकी इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, पी की जब टू पी स्क्वायर से, टू पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू पी स्क्वायर आएगा। फिर माइनस से माइनस लगा दिया। इस पी की इस पी से मल्टीप्लाई, जब पी से पी, सॉरी, पी से पी की डिवाइड, ओके, डिवाइड होती नीचे नीचे वालों की, तो पी से पी से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा। वन से सेवन की मल्टीप्लाई, सेवन आएगी। फिर माइनस लग गया। अब इस वन की फिर पी से डिवाइड, ये बचा है ना हमारा ये वाला, तो फिर पी आएगा। इसके इसके डिवाइड करेंगे, जो पी आया उसकी फाइव से मल्टीप्लाई, फाइव पी हो गया, इक्वल टू में क्या आ गया? जीरो आ गया। ऊपर वाली जो चीज़ है वो मैंने ऐसे ही लिख दी। कैसे लिख दी? ऐसे ही लिख दी। तो देखिए, मैं इसको भी लिखने का तरीका है, पहले मैं लिखूंगा सबसे बड़ी पावर जो पी की है, तो पी की बड़ी पावर क्या है? टू। मैंने ये वाला पहले लिख दिया। अब पी से छोटी, मतलब टू से छोटी पावर पी की, तो भाई यही तो है छोटी पावर, तो माइनस का फाइव पी। याद रखिए, अब साइन लेना मत भूलना, माइनस का फाइव पी। फिर जो माइनस का सेवन बचा है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब पी की जीरो से मल्टीप्लाई, पी की जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी, यानी किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई होगी, तो वो जीरो ही हो जाएगा, इसलिए पी हमारा पूरी तरीके से खत्म। ये बात समझ में आ गई ना? पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा साइन के साथ, याद रखिए माइनस है तो माइनस आएगा, फिर मैंने ये लिखा माइनस साइन के साथ, पी की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो गई। अब ये हमारी बन गई, देखिए बन गई कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? हाईएस्ट पावर है टू। अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये बात मैंने बात आपको अपनी वीडियो में बताई है, इसको मैं करवाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख ले, मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको कराने के लिए हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? यही तो बताया ना मैंने। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना है? पी है, और यहाँ पे वेरिएबल मैंने कितना लिया है? एक्स लिया है, तो यहाँ पे एक्स नहीं ले सकते। जो वेरिएबल यहाँ पे है वही यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हमको पी रखना है, यहाँ पे भी हमको पी रखना है। अब हम क्या करेंगे? इसकी इससे कंपेयर कराएंगे और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू निकालेंगे। ये जो फॉर्म होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पी स्क्वायर के आगे कितना है? ए है। यहाँ पी स्क्वायर के आगे टू है, तो जो ए है वो कितना है? टू है। जो भी मल्टीप्लाई में लगाओ इसके आगे वही होता है। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है? पी के आगे बी। यहाँ पी के आगे कितना है? माइनस का फाइव, तो बी की वैल्यू माइनस की फाइव। वैल्यू माइनस लेना मत भूलना। पी, यहाँ कोई पी है नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई पी है नहीं है, तो जो सी है वो कितना है? माइनस का सेवन। माइनस लेना मत भूलना, क्योंकि जो सी है वो और सेवन है वो हमारे कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? अब ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम डायरेक्ट में फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, यही तो होता है फॉर्मूला। ओके, डू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी कितना हमारे पास? बी हमारे पास माइनस का फाइव है, तो बी के प्लस माइनस का फाइव स्क्वायर है, तो स्क्वायर लग गया। फिर माइनस का फिर फोर, फिर ए। ए कितना है? ए हमारे पास टू है, तो मल्टीप्लाई में टू। सी कितना है? सी सेवन है, माइनस का सेवन, तो सी में हो जाएगा माइनस का सेवन मल्टीप्लाई में। तो डी इज इक्वल टू, अब माइनस का फाइव का स्क्वायर कितना होता है? जी हाँ, होता है पच्चीस। मैं आपको कई बार करके बताया कि माइनस फाइव की कितनी पावर? टू पावर है, तो इसकी दो बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, और फाइव फाइव जा
25, तो माइनस प्लस की 25, प्लस है ना, प्लस लग गया, ठीक है ना, क्लियर है, इतना समझाया मैंने कई बार अपनी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस माइनस प्लस, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 7 4 होता है 28, ओके 28, और 28 2 जा कितना होता है 56 होता है, करके देखिए 28 2 जा 56 ही होता है। D इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 5 हो गया 11, और ये हो गया कितना 5 6 7 1 8, कितना हो गया, डी की वैल्यू आ गई 81 81 आ गई। ये बात समझ में आ गई ना, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का 25 होता है। भाई ये देखिए माइनस का 5 है ना, माइनस 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ब्रेकेट में होता है, तो माइनस माइनस प्लस और 5 5 जो 25, तो प्लस का 25 भी मैंने लिखा है, प्लस दिखता नहीं है, इससे प्लस मैंने गायब कर रखा है, हटा रखा है। अब हम इसको करने वाले हैं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने वाले हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है फटाफट। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फटाफट से लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या हमारा, होता है हमारा पी इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस का बी फिर प्लस का माइनस का रूट डी अपॉन 2a। ये p है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, कहाँ गई, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वही यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे x होता तो मैं यहाँ पे x लिख देता, मतलब जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं p की निकालना है ना, तो भी आप p रखेंगे, सीधी सी बात है। तो p इज इक्वल टू माइनस का b, b कितना है, b हमारे पास माइनस का 5 है, तो माइनस 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 प्लस, तो प्लस लग जाएगा यहाँ पे, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, फिर प्लस माइनस, फिर d कितना है, d हमारा 81 है, 81 आ गया, रूट लगाया तो रूट हमारा लग गया अपॉन 2 ए, ए कितना, ए 2 है, तो मल्टीप्लाई में 2, याद रखना मल्टीप्लाई होती है इन दोनों के बीच, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए पी इज इक्वल टू 5 फिर प्लस माइनस, 81 का अंडर रूट कितना होता है स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 81, 81 कितना होता है अंडर रूट, होता है 9, क्या होता है 9 9 9 81, जैसे 25 होता है ना, 25 का 5 होता है, 9 का 3 होता है, ऐसे 81 का कितना होता है, 81 का 9 होता है, तो आपको सबको पता ही होगा 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक एक करके दोनों को उठाएंगे, पहले हम लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव, यानी पहले प्लस का साइन हम ले रहे हैं, तो हमने पहले प्लस का साइन लिया, तो p इज इक्वल टू 5 प्लस 9 अपॉन 4, एक एक करके करेंगे, माइनस नहीं ले सकते, एक साथ नहीं ले सकते, पहले प्लस लिया फिर माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो p इज इक्वल टू ये कितना हो गया 13 हो गया ना, इन दोनों को ऐड करिए, 13 नहीं आएगा 14 आएगा, अपॉन कितना है, अपॉन है 4, इसको डिवाइड करिए 2 से, 2 2 2 7 जा, तो जो पी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 7 अपॉन 2, जो पी की पहली वैल्यू मिली है वो मिली है हमें 7 अपॉन 2, मैंने क्या लिया है पॉजिटिव, यानी प्लस का साइन लिया है। अब हम लेंगे माइनस का साइन, कौन सा लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, इसे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा मैंने यहाँ पे इसे करा है, ठीक है, यहाँ पे करा है, ओके। अब मैंने लिया है यहाँ पे टेकिंग, क्या ले रहा हूँ, टेकिंग निगेटिव, पहले मैं अब निगेटिव ले रहा हूँ, पहले मैं प्लस लिया, मैं माइनस ले रहा हूँ, तो पहले मैं माइनस लूँगा, तो पी इज इक्वल टू 5 माइनस 9, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 अपॉन में 4, क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ है 5 माइनस 9, यानी कि 5 में से 9 माइनस होगा, तो 9 में से 5 माइनस होगा, 5 में से ना 9 माइनस होगा, तो 5 में से सॉरी 9 में से जब 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है 9, 9 के आगे कौन सा साइन है, 9 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अपॉन में कितना है 4, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर उसके आगे जो साइन हो वही साइन यहाँ पे लगा दिया जाता है, यही तरीका होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1। तो आपने देखा जो पहली पी की वैल्यू आई है वो आई है 7 अपॉन 2, और जो दूसरी पी की वैल्यू आई है वो आई है हमारी माइनस की 1, ठीक है ना। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए x की, p की नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आधा नंबर मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। अब हम p की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक एक करके, पहले हम करेंगे माइनस की 1 पुट करेंगे, फिर हम 7 अपॉन 2 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर। तो मैं इरेज करने वाला हूँ, जिसको उतारना उतार सकते हैं, ओके। देखिए हमारी पी की दो वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई हमारी माइनस की 1 एंड सेकेंड वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन 2, एक एक करके दोनों रखेंगे। चलिए पहले हम रखते हैं 7 अपॉन 2, तो याद रखिएगा यहाँ पे दो पी हैं, एक तो पी हमारा आएगा इस वाले में, ठीक है ना, इस वाले में आ रहा, दूसरा पी हमारा आ रहा है इस वाले में, यही आ रहा है ना पी। तो चाहे आप इस वाले में पी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, चाहे इस वाले में पी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, दोनों आंसर सेम आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो आप, मैं इसमें नहीं रखूंगा, मैं किस में रखूंगा, डायरेक्टली इसमें रखूंगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ कि इसका कोई काम अब है नहीं, अभी बेकार का हो गया। अब देखिए पहले हम पी की वैल्यू रख रहे हैं 7 अपॉन 2, क्या रख रहे हैं पी की वैल्यू 7 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2 हम रखेंगे यहाँ पे इतनी जगह, ठीक है ना। तो ये वाला जो चीज़ है एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ऐसे का ऐसा ही है, फिर इक्वल टू, अब जो पी है, पी की वैल्यू कितनी हमारी, पी की वैल्यू हमारी है 7 अपॉन 2, तो इस पी के प्लेस पे 7 अपॉन 2। अब वही काम करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे कर देंगे, फिर इसकी
इससे कर देंगे, तो इसकी इससे करेंगे, तो देखिए सेवन पहले x से करेगा, तो सेवन की x से कितनी हो जाएगी सेवन एक्स, फिर सेवन करेगा थ्री से, सेवन थ्री जा 21, प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगा लिया, फिर इक्वल टू लगा दिया। अब टू करेगा इसमें मल्टीप्लाई, पूरे में करता है इस पूरे में, तो पहले टू करेगा एक्स से मल्टीप्लाई, तो टू को एक्स से करेगा कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, क्लियर है। फिर माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा दिया, फिर टू करेगा वन से मल्टीप्लाई, तो टू की वन से करेंगे कितने हो जाएगा टू बन जा टू। इतनी बात समझ में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको रट गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम करेंगे एक्स एक्स वालों को एक साथ ले लेंगे और नंबर नंबर एक साथ ले लेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, जो सेवन एक्स है वो ऐसे का वैसे लिखा हुआ है, छोड़ दो। अब जो टू एक्स है वो प्लस का है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्लियर, माइनस का हो जाएगा टू एक्स, फिर इक्वल टू ऐसे का ऐसे लिखा है, माइनस का टू ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। अब जो 21 प्लस का वो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया इतना कि नहीं। एक्स एक्स वाले एक साथ, नंबर नंबर वाले एक साथ, इक्वल टू के इधर उधर भेजेंगे तो बस साइन चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है बस। अब देखिए 7 माइनस 2 यानी कि 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, x यहाँ है x यहाँ, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया x लगा दिया, फिर इक्वल टू, इक्वल टू। इसको सॉल्व करने का भैया देखो तरीका बताते हैं, कई बार मैंने बताया अपने वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं, मैंने नोटिस करा है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, गलत कर देते हैं, 90% गलत करते हैं भाई। देखिए कैसे करना है, तरीका क्या है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये जो प्लस आया है वो ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का प्लस होना है, क्या होना है इन दोनों का प्लस होना है। आया कैसे प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का प्लस होगा तो 21 और 2 कितना होता है 23, प्लस हुआ ना, प्लस ने यही डिसाइड किया है। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है 21, 21 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, यानी कि जो भी बड़े नंबर के आगे साइन होता है वही साइन यहाँ पे आ जाता है, सीधी सी बात। अब एक्स को अकेला करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 23, एक्स अकेला हो गया, 5 था चला गया, कहाँ चला गया नीचे चला गया, यानी यहाँ पे, यानी कि इनके बीच लगी होती है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होती है इक्वल टू के इधर इधर जाने पर, डिवाइड में कन्वर्ट होती है, तो एक्स की पहली वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 23/5, तो एक्स की भाई पहली वैल्यू निकल आई जब हमने क्या पुट करा, पुट करा हमने 7/2 पी के प्लेस पे। अब हम क्या पुट करेंगे माइनस की 1, क्या पुट करेंगे हम, जी हाँ माइनस का 1 पुट करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर। अब इसके प्लेस पे माइनस का 1 रखना, बाकी सब काम वैसे का वैसा ही, यहाँ पे एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इसके लिए तो कुछ नहीं, तो हमने इसके लिए क्या लगा दिया 1 लगा दिया, अब इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे बस। अब देखिए 1 की जब इससे करेंगे तो कितनी हो जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू, अब माइनस 1 की जब इससे करेंगे तो आप समझना बात ध्यान से, याद रखिएगा माइनस का 1 कर रहा है मल्टीप्लाई, देखिए 1 से हमने इसकी करी तो वही नंबर मिलेगा, 1 से आप किसी की भी करें वही नंबर मिलेगा, इक्वल टू, इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस पहले करेगा माइनस, माइनस पहले करेगा एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस है तो ये माइनस लग गया, एक्स है तो एक्स लिख गया। अब माइनस करेगा मल्टीप्लाई प्लस के 3 से, तो माइनस प्लस माइनस और 3 बन जा 3, तो यानी कि इसके आगे प्लस था माइनस हो गया, इसके आगे प्लस था माइनस हो गया, साइन क्यों चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, क्लियर। अब हम एक्स एक्स वाले एक साथ करेंगे, नंबर नंबर वाले एक साथ करेंगे, क्वेश्चन खत्म। एक्स ऐसे का वैसा ही है, और जो प्लस माइनस का एक्स है उधर जाएगा, प्लस का एक्स हो गया, इक्वल टू वैसे का वैसा ही है, माइनस का 3 वैसे का वैसा ही है, और माइनस का 1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, साइन चेंज होता है। एक्स प्लस एक्स कितने एक्स है इसमें, 2x है तो 2x, कितने एक्स हैं 2x हैं तो 2x, क्योंकि यहाँ 1 होता है इसके आगे भी 1 होता है, 1 1 2, ऐसे आया x x है तो x लगा दिया इक्वल टू। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं अपने इसी तरीके से, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का माइनस होना है, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है 3, 3 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस का साइन, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, और जो 2 है वो ऊपर से कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो गया डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1 आ गई। यही इसके आंसर है, पहला ये है, दूसरा ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरीका होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर होती है 2, अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और जितनी हाईएस्ट पावर होंगी उतनी ही वैल्यू निकलती है, इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की 2 होती है, इसलिए एक्स की कितनी वैल्यू निकली है 2 वैल्यू निकली है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है, इसके भी मैं अभी आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज कह रहा है कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है इस इक्वेशन को बस,
और कुछ नहीं। अभी इसमें क्लियरली क्या रखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है, और हमने पहचान भी लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचाना? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे देखिए कोफिशियंट है। ये क्या है? इसका कोफिशियंट, यानी कि जो इसके मल्टीप्लाई में लगा होता है वो कोफिशियंट होता है। यहाँ पे एक्स की ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो मैं इसको करवाने वाला हूँ अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वीडियो में बना चुका, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करते हैं हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो से। और कंपेयर करके क्या करते हैं हम? ए की वैल्यू निकालते हैं, बी की भी वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू भी निकालते हैं। तो हम ए बी सी हम लिख नहीं रहे क्योंकि बड़ा इक्वेशन हो सकता है। ये जो है ये जनरल फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी की कंपेयर इससे करेंगे और हम इजीली ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी जो ए है हमारा वो है हमारा कितना? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी कि ए की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक, जो इसके कोफिशियंट यानी जो इसके मल्टीप्लाई में लिखा होता है वही इसकी वैल्यू होती है। अब हम बात करेंगे बी की वैल्यू की, वो देखिए कैसे होगी। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स के आगे बी, यहाँ पे एक्स के आगे क्या है इस ब्रेकेट में, जो भी इस ब्रेकेट में वहाँ पे लिख देंगे। साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस के साइन के साथ में लिखेंगे। 4b की पावर 4 माइनस का ए 3a की पावर 4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस के साइन के साथ। फिर देखिए c की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाली अब हमें? c की वैल्यू निकाली, a की आ गई, b की आ गई, c की देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कोई x है नहीं है, यहाँ पे कोई x है नहीं है, यानी कि ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? c, c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। जो c है वही हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 12 a की पावर 2 b की पावर 2 एन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन मैंने लगा लिया। तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, फटाफट से देखिए कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो भी यहाँ जो b की वैल्यू लिखेंगे यानी कि जो इसकी वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये जो माइनस है इसको हम अंदर भेजे दे रहा है इस ब्रेकेट के अंदर। तो हमको पता है कि किसी भी ब्रेकेट के से माइनस निकालो या किसी भी ब्रेकेट में माइनस डालो तो क्या होता है, अंदर के साइन सारे चेंज होते हैं। तो माइनस अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। तो जो प्लस का जो ये है 4 वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, याद रखिएगा। माइनस अंदर गया तो पहले माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए पहले हम ये वाला टर्म लिखेंगे, तो जब माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा और कितना आ जाएगा 3, कितना आएगा 3a की पावर 4। उसके बाद माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस और 4b की पावर 4। स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, तो इस b के प्लेस पे ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है? मैंने माइनस अंदर भेज के इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में दोनों साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस अंदर गया है। फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, 4 था फिर 4 लगा दिया, फिर a कितना, a हमारा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। याद रखिएगा मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी है, याद रखिएगा वरना क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। अब सी कितना है, ए की वैल्यू तो हमारी ये आ गई, ठीक है ना। अब सी की वैल्यू ये है ना, तो ये लिखेंगे मल्टीप्लाई में माइनस है तो माइनस लग गया 12a² और b² आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए क्या करने वाले हैं, डी इज इक्वल टू ये हमारा बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा पूरा ए हो गया इतना, ये हमारा पूरा बी हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही तो होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले है ए स्क्वायर, ए कितना हमारा, ए हमारे पास है ये 3a की पावर 4, तो ए का स्क्वायर यानी कि 3a की पावर 4 का स्क्वायर। फिर माइनस प्लस होता है फॉर्मूले में, क्या होता है प्लस, तो मैंने लगा दिया प्लस। फिर कितना है बी स्क्वायर, तो बी कितना है, बी हमारे पास है ये 4b की पावर 4 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला चल रहा है याद रखिएगा। फिर माइनस है फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर फॉर्मूले में 2 है, मैंने 2 लगा दिया। फिर फॉर्मूले में ए है, ए कितना है, ए हमारे पास है मल्टीप्लाई 3a की पावर 4, मल्टीप्लाई लगाना नहीं भूलना। फिर है बी, बी कितना है, बी हमारे पास है ये मल्टीप्लाई
फोर बी की पावर फोर, ओके यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे कोई स्क्वायर था ऊपर मतलब पावर टू नहीं थी नहीं तो मैंने पावर टू नहीं लगाई, मतलब जो इसकी पावर थी मैंने बस वही लगाई है, ठीक है। फिर देखिए माइनस और माइनस 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 प्लस, माइनस इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। अब देखिए यहाँ फोर है यहाँ ट्वेल्व है, यानी कि यहाँ सिर्फ इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म में देखिए सिर्फ दो ही नंबर है, एक तो ट्वेल्व है एक तो फोर है, तो ट्वेल्व फोर जा ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए की पावर टू, यहाँ पे भी ए की पावर टू, तो ए की पावर टू, ए की पावर टू क्या हो जाएंगी, पावर पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो टू और टू कितना होता है फोर, तो ए की पावर फोर, याद रखिएगा बीच में मल्टीप्लाई लगी है ना, तो अगर दो सेम वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई लगी हो तो दोनों पावर ऐड हो जाती हैं और जो वेरिएबल होता है ए ए वो यहाँ आ जाता है। सेम बी के साथ भी यही होगा, बी की पावर टू, बी की पावर टू क्या हो जाएगी, बी की पावर फोर, ये दोनों हो जाएंगी ऐड, टू और टू फोर, और बी ऐसे का वैसे ही लिखा हुआ है। अब हमारा इतना हो गया सॉल्व, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं फटाफट से देखिए। अब देखिए इसे हम खोल देंगे, यहाँ पे लिखा है थ्री ए की पावर फोर की पावर टू, तो पहले जो होल स्क्वायर है वो जो स्क्वायर है वो थ्री पे भी लगा है और जो स्क्वायर है ए की पावर फोर पे भी लगा है, तो पहले हम एक इसकी जो स्क्वायर है की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, यानी थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन होता है, ए की पावर फोर की पावर टू, तो ये जो पावर पावर है वो मल्टीप्लाई करती है, तो फोर टू जा एट, तो ए की पावर एट, इतनी बात समझ में आई, इसको खोलेंगे यही आएगा। अब इसको देखिए प्लस, ये किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ देखिए जो स्क्वायर है पहले वो फोर पर है, किस पर है फोर पर, तो फोर की पावर टू यानी कि फोर की दो बार मल्टीप्लाई, फोर इंटू फोर, तो फोर फोर जा सिक्सटीन। अब जो ये है वो इस पर भी है, तो बी लिखा है तो बी लिख दिया, और ये जो फोर है पावर वाली फोर, इसकी टू की मल्टीप्लाई, तो फोर टू जा एट, क्लियर है। फिर माइनस है, माइनस मैंने लगा दिया। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों की, तो यहाँ देखिए तीन नंबर हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेल्व, टू जा ट्वेंटी फोर, ए की पावर फोर एंड बी की पावर फोर। इन दोनों पावर को भैया ऐड मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल ए और ए था सेम था, बी और बी था सेम था, तभी मैंने ऐड कर दिया टू टू फोर, टू टू फोर, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, ए और बी ऐड नहीं हो सकते। फिर प्लस, फिर प्लस लगा दिया, फिर 48 है, 48 है, फिर ए की पावर 4 और बी की पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है सब अच्छे से। अब देखिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। अब देखिए ये जो चीज़ है ये, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझते रहे स्टेप बाय स्टेप बात को। ये जो चीज़ है 9 ए की पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं 3 ए की पावर 4 का होल स्क्वायर, बताइए इसे लिख सकते हैं। अरे ये तो फिर मैंने वही लिख दिया उठाकर, तो ठीक है ना, मतलब इसे चेंज मत करना है, मतलब इसे जो है वो यही रहने दीजिए, इसे मत चेंज करिए, ठीक है ना, ऐसे इसे भी मत चेंज करिए, ये तो इसे मैंने चेंज ही नहीं करना चाहिए था, इसे मुझे चेंज ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये इसका काम आएगा, ठीक है अभी, ओके। उसके बाद देखिए फिर, अब देखिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल, देखिए सेम वेरिएबल है कि नहीं, कहते ए की पावर फोर बी की पावर फोर, ए की पावर फोर बी की पावर फोर, यानी कि जो सेम वेरिएबल अगर इस तरीके से आ जाए तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए प्लस का 48 और माइनस का 24, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये जो माइनस आया है, माइनस और प्लस माइनस आया है, वो ये डिसाइड करेगा कि 48 में से 24 को माइनस करना है, 48 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये कितना है, ये है 8 में से 4 गया तो बचा 4, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है 48, 48, 48 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो मैंने यहाँ लगा दिया प्लस का साइन। ये होता है करने का तरीका, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का होगा माइनस, तो 48 में से 24 गया, 24 बचा, तो जो भी बड़ा नंबर हो उसके आगे जो भी साइन हो वही साइन यहाँ पे लगा देते हैं। दोनों में वेरिएबल सेम है तो हमने वेरिएबल रख दिया ए की पावर 4 और बी की पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ओके। अब देखिए यहाँ से बात को समझते हैं, देखिए ये हमारा फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, यही तो होता है, यही फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, देखिए ये वाली जो चीज़ है वो मैंने ऐसे ही के वैसे ही लिख दी है, मतलब ये वाला मैंने ना मिस्टेक से जो है इसको मैंने खोल दिया, इसको खोला नहीं जाएगा, इसको फिर से वैसे ही लिखा जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, और इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए डी इज इक्वल टू, ये वाली जो चीज़ थी मैंने ऐसे की वैसे ही छोड़ दी, क्लियर, प्लस ये वाली चीज़ थी मैंने वैसे की वैसे छोड़ दी, मैंने चेंज नहीं करा। अब जो चेंज आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा, देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2ab, क्या लिख सकता हूँ 2ab। अब आप सोचेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप 2ab वगैरह, मैं समझाता हूँ, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये पूरा a है, क्या है पूरा a,
यहाँ पे जो लिखा हुआ पूरा बी है, क्या है पूरा बी, यानी कि ये ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर, क्लियर, प्लस प्लस फिर कितना टू, फिर कितना टू, फिर कितना ए, ए कितना हमारा, ए हमारा थ्री ए की पावर फोर, थ्री ए की पावर फोर, फिर मल्टीप्लाई लगी हुई है, मल्टीप्लाई तो ए और बी एच के बीच में मल्टीप्लाई, तो फिर मैंने लगा दी मल्टीप्लाई, फिर क्या है बी, बी कितना हमारा फोर बी की पावर फोर। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है वो मैंने इसमें लिख दी, इसको मैंने चेंज नहीं करा, इसको मैंने चेंज नहीं करा, इस 24 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। देखिए इसकी 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 मल्टीप्लाई कराइए, 24 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, 24 आएगा। और देखिए ए की पावर 4 और बी की पावर 4, ये ए की पावर 4 ये है और बी की पावर 4 ये है, मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में ही क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी डायरेक्ट बन गई, क्या बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारा, ए ए हमारा है 3, जो भी ब्रेकेट के अंदर है वो ए है हमारा, 3 ए की पावर 4 ए है, फिर प्लस बी क्या है, बी बी हमारा इस ब्रेकेट के अंदर वाला 4 बी की पावर 4 बी है, और होल स्क्वायर होता है दोनों का ब्रेकेट लग के क्या होता है, इस होल स्क्वायर, तो दोनों का ब्रेकेट लग के होल स्क्वायर। जो डी की वैल्यू आई है वो आई है 3 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने खोली, यानी कि मैं रिवर्स लेके चला हूँ, क्लियर है कि नहीं, आप समझना मेरी बात। इस चीज को मैंने ये लिख दिया, ये मैंने कैसे लिखा, इसको देखकर ये आइडेंटिटी बन गई हमारी। ये मैंने क्या करा, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी और ये वाली जो चीज़ है वो ये लिखी है, ये पूरी ये लाइन जो है ना वो ये है और ये जो है वो ये है, क्लियर है। ये बन गया हमारा ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, और फॉर्मूले में होता है 2ab, तो 2 इंटू ए, ए कितना ए वाला ए ये है वो ये लिखा है, फिर बी बी ये है ये लिखा है। इतनी बार समझ में आ गई, देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, इसको आप कई बार लगाइए तब आपको समझ में आएगा। अभी हमारी वैल्यू नहीं निकली है, अभी हमारी एक्स की जो है वो वैल्यू नहीं निकली, अभी आपको सॉल्व करना काफ़ी बचा है, तो मैं इसको इरेज करूंगा, तो जिसको उतारना है उतारिए फटाफट जल्दी से। देखिए हमारी डी की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें लगाने वाले हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब आप देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पे आ रही है, अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट डी अपॉन टू ए। जी हाँ, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो एक्स है हमारा वो यही वाला एक्स है जो हमारा क्वेश्चन में था, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन में एक्स है ना, मतलब इक्वेशन में जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वो यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे पी होता तो मैं यहाँ पे पी लिख देता, ओके, यहाँ पे अगर सी होता, डी होता, एम होता, एफ होता, कुछ भी होता, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे वही वेरिएबल लिख देता। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, तो बी की जो वैल्यू हमारी कितनी है, ये है ना, कितनी है 4 बी की पावर 4 माइनस का 3 ए की पावर 4, ये जो बी की वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है ना। अब ये वाला माइनस, ठीक है ना, और ये फॉर्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, प्लस लगाते नहीं है, दिखता नहीं है, क्लियर। फिर प्लस माइनस, फिर डी, डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास है ये कितना है 3 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 का होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, यही तो है ना डी की वैल्यू, इसके प्लेस पे इतनी बड़ी वैल्यू आई है। फिर अंडर रूट है, मैंने अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2a, a कितना है, a a हमारे पास है ये, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, x इज इक्वल टू ये वाली जो चीज़ है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे कुछ भी मत छेड़िए, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, एकदम से नहीं छेड़ना है, ठीक है, प्लस माइनस भी नहीं छेड़ना है। अब इसके देखिए स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल आउट, क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ये बात आपको पता होगी कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो अंडर रूट होता है वो 1/2 होता है, और ये होता है मल्टीप्लाई में 2, ये जो 2 है ये वाला वो मैंने ये लिख दिया, और जो अंडर रूट है वो होता है 1/2, जो 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है, तो पावर 1 लगाइए मतलब एक ही बात है। तो आप शॉर्टकट में ये समझिए कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 3 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, यही तो बचा। और अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारे पास है 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही तो है ना, क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसे इरेज कर दूँ, इसका तो कोई काम बचा नहीं है, हटाओ इसे, बेकार की चीज़ हो गई, ये तो काम निकल गया, हटाओ इसे फटाफट से। अब क्या करने वाले हैं, जल्दी से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए एक्स हमारा ऐसे का वैसा ही है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ हमारे पास प्लस है, दूसरी चीज़ क्या है, माइनस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, हम दोनों चीज़ें एक एक करके लेंगे, पहले हम लेंगे प्लस, क्या लेंगे प्लस, ओके, तो टेकिंग पॉजिटिव, पहले हम प्लस लेने वाले हैं, पहले मैंने पॉजिटिव लिया, तो एक्स इज इक्वल टू ये वाली जो चीज़ है वो सेम टू सेम मैंने वैसे ही
छोड़ दी, अब ब्रेकेट नहीं लगाएंगे, ब्रेकेट हटा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया, इधर भी ब्रेकेट नहीं हटाएंगे, सॉरी ब्रेकेट यहाँ से हटा देंगे, ब्रेकेट नहीं लगाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना। अपॉन में कितना है, अपॉन में है टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है इतना। मैंने प्लस लिया, माइनस नहीं लिया, माइनस हम अगली बार में लेंगे, ओके। तो x इज इक्वल टू, ये वाली जो चीज़ें कैसे देखिए कैसे सॉल्व होगी, माइनस का 3a की पावर 4 और प्लस का 3a की पावर 4 कैंसिल आउट हो गए, ये तो कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, सेम चीज़ें, अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, बिल्कुल सेम है, तो काट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए यहाँ पे है 4b की पावर 4 और यहाँ पे है 4b की पावर 4, तो देखिए दोनों का वेरिएबल कितनी सेम है ना, b की पावर 4। यहाँ पे नंबर क्या है, 4 प्लस का 4, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8 होता है, यहाँ b की पावर 4, यहाँ b की पावर 4, तो यहाँ पे लिख दिया b की पावर 4 अपॉन यहाँ कितना है 2 a की पावर 2 और b की पावर 2, क्लियर इतना आ गया समझ में। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो देखिए कितना आ गया हमारे पास आ गया 4 आ गया, ऊपर कितना है b की पावर 4 और नीचे कितना है b की पावर 2। अब देखिए इस 2 से इस 2 को भी काट देंगे, क्या कर देंगे काट देंगे, अब देखिए इस जब इस 2 को इस 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये ऊपर कितना बचा b की पावर 2 बचा, नीचे कितना बचा a की पावर 2। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी पहली वैल्यू निकल आई, हमने जब क्या लिया प्लस लिया यानी कि पॉजिटिव साइन लिया। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, अगर जितनी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की x की उतनी ही वैल्यू निकलती है, यहाँ पे कितनी हाईएस्ट पावर है 2 है, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकलेंगी, पहली वैल्यू ये निकल आई, अब दूसरी वैल्यू हम निकालने वाले हैं निगेटिव लेके, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, टेकिंग निगेटिव, मैं इरेज नहीं करूँगा, मैं यहीं कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप समझदार हो समझ जाओगे, टेकिंग निगेटिव। अब माइनस का साइन लेंगे, तो प्लस हटाइए माइनस का साइन लेंगे, तो x इज इक्वल टू 4b की पावर 4 माइनस का 3a की पावर 4। अब ये माइनस देखिए, प्लस हटाइए माइनस लिया, अब यहाँ पे बात, अगर जिसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी वहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा वो बेटा क्वेश्चन में पेपर में, ठीक है ना। तो देखिए जो माइनस है वो अंदर जाएगा, प्लस भी अंदर गया था, लेकिन प्लस अंदर जाके कुछ बिगाड़ता नहीं किसी का, मतलब प्लस जो है अंदर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करेगा, कोई भी सामान को टच नहीं करेगा, लेकिन माइनस क्या करता है हर चीज़ बदल देता है, सारे सामान टच करेगा। तो जो माइनस है पहले वो 3a इसको 3a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस है और यहाँ पे होता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस वही वाला माइनस है और 3a की पावर 4, ओके। आप ये माइनस करेगा इधर भी मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4b की पावर 4, क्लियर। अपॉन में कितना है, अपॉन में 2a की पावर 2 और b की पावर 2, 2a की पावर 2 और b की पावर 2। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, या प्लस का साइन है या माइनस का है, तो सेम नंबर है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे है माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 3a की सॉरी माइनस का 3a की पावर 4 माइनस का 3a की पावर 4, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का सेम टू सेम है कि नहीं, अगर वेरिएबल सेम है तो ये सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से, वेरिएबल अलग अलग होते तो नहीं होते सॉल्व। तो माइनस का 3 कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 3 देखिए माइनस 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 प्लस, तो माइनस माइनस जो प्लस आया है वो ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का एडिशन होगा, तो 3 और 3 6। अब देखिए बड़ा नंबर कौन सा दोनों में से, भाई बड़ा नंबर तो दोनों में से बराबर नंबर है, तो इसके आगे कौन सा साइन है या इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस है तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, तो -3 -3 होता है माइनस का 6, ए की पावर 4 ए की पावर दोनों में, तो ए की पावर 4 अपॉन में कितना है 2a² b² इसको डिवाइड कर दीजिए 3 जा आ गया, तो कितना आ गया माइनस की 3 माइनस का 3। अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे एक पावर को, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2, तो ए की पावर 2 हो जाएगा, नीचे सॉरी b² है तो यहाँ बचा b². अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो मैंने पावर कैंसिल करी है एक्चुअल में वो कैंसिल नहीं होती है, वो माइनस होती है, क्या होती हैं माइनस होती हैं, 4 से 2 माइनस हुआ है, मैंने कैंसिल आउट कर दी ना, तो कैंसिल आउट नहीं हुई, मैंने आपको समझाने के लिए करी थी बस, ठीक है ना। तो जो 2 है वो 4 से माइनस करेगा, क्या करेगा माइनस करेगा, यानी सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे b की पावर 4 है, यानी b को हम 4 बार लिख सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं 4 बार, और यहाँ b की पावर 2 है तो b की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 बार, यही तो लिख सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट इससे ये कैंसिल आउट, कितना बचा है यहाँ पे 2b, तो 2b का मतलब हो गया b की पावर 2। तो सेम काम हमने यहाँ भी करा है, इसीलिए हमारा आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। तो देखिए x की पहली वैल्यू ये आ गई और x की दूसरी वैल्यू ये आ गई, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अभी मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। तो आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, और प्रूफ करना है कि b + c = 2a, जी हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी
प्रूफ वाले क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपको तैयार करना चाहिए, मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको कंडीशन दे रखी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब एक्स की जो वैल्यू है, रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू होता है, ठीक है ना, जो एक्स लिखा है ना इसकी वैल्यू यही होता है रूट, जो रूट है इस इक्वेशन के रूट्स होगा, ठीक है ना, रूट्स होगा, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है तो जो डी होता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जीरो के, किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो में करा चुका हूँ, सब समझा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी सेवन्थ पार्ट तो आप देख लीजिए, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को जीरो के इक्वल लेके चलना पड़ेगा और इसको प्रूफ करना है, हमको इतना काम करना है। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, इसको करने के लिए हमको इसकी कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम लगा रहे हैं हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम कंपेयरिंग करते ही करते हैं, हमें अच्छे से पता है, रट चुकी है हमें अच्छे से ये बात। तो ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो से इसकी कंपेयर हम करेंगे। ये जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, हम a b c तीनों की निकालेंगे तभी कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या कितना है, ए माइनस बी, जो ये हमारा ए है, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी ए माइनस बी, ओके क्लियर। अब निकालेंगे इस वाले b की वैल्यू, तो देखिए b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्या आ गया b, यहाँ पे x क्या आ गया कितना है b माइनस सी, तो हमारी जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी b माइनस सी। अब हम निकालेंगे c की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे भी x नहीं है और यहाँ पे भी x नहीं है, तो यानी कि दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, तो c है वो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा c माइनस a, ओके a भी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम डायरेक्टली लगाएंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सॉरी यहाँ बड़ा b है तो मैं कैपिटल b बनाऊंगा, यहाँ कैपिटल b मैंने लिया है, अगर मैं स्मॉल b लेता तो मैं यहाँ स्मॉल b बनाता, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो होता है। और आपसे क्या रखा है कि जो इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल होती है, जी हाँ जीरो के इक्वल होती है, यानी जो d है हमारा वो जीरो है, ये हमको लेके चलना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब जो b है वो कितना है, b माइनस सी, तो इस b के प्लेस पे b माइनस सी, स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दिया होल में, फिर माइनस, फिर फोर, फिर a, a कितना, a हमारा है a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, जी हाँ मल्टीप्लाई आप लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। फिर c है, c कितना हमारा, c माइनस है, तो इसके c के प्लेस पे c माइनस a, मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं, इक्वल टू में क्या है जीरो है, ठीक है, डी को लेके नहीं चलना है, बस जीरो के लेके चलना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ये बनेगी हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है ना, पता है कि नहीं पता है, पता होगा, अभी मैंने कराया अपने क्वेश्चन में। तो पहले होता है हमारा ए स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या होता है ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है बी है, तो बी का स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है सी है, तो सी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का 2, फिर ए, ए कितना हमारा बी है, फिर 2ab, बी कितना है, बी हमारा सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारा हो गया फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर देखिए माइनस है, मैंने लगा दिया माइनस, अब खींचेगा बड़ा ब्रेकेट, अभी ब्रेकेट क्यों खींचा, ब्रेकेट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे लग गया है माइनस, माइनस का एक तरीका ये होता है, माइनस मतलब क्या करता है ना, अंदर जाके सारे साइन चेंज कर देता है, अगर आप ब्रेकेट नहीं अप्लाई करोगे तो आप माइनस को बाहर ही लगा दोगे, अंदर भेजोगे ही नहीं, अगर आप अंदर नहीं भेजोगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, और साइन चेंज नहीं होंगे तो ये प्रूफ नहीं होने वाला, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जीरो नंबर मिलेंगे पेपर में। तो ये ब्रेकेट लगाना मत भूलना, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, मिस्टेक यहीं से स्टार्ट होती है। अब फोर है, मैंने फोर लगा दिया, ठीक है ना, चलिए अब देखिए ये ए माइनस बी है, तो मैंने ए माइनस बी लिख दिया, फिर हमारा सी माइनस ए है, तो मैंने सी माइनस ए लिख दिया, इक्वल टू में, फिर ब्रेकेट बंद कर दिया, इक्वल टू में जीरो है, ओके। अब ये वाली जो चीज़ है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, मैंने ऐसे ही लिखा है, फिर माइनस। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई a माइनस बी से कर देंगे, पहले 4 की a से करेंगे तो 4a हो गया, फिर माइनस है माइनस लग गया, फिर 4 की b से करेंगे तो 4b हो गया, इसको मैंने ब्रेकेट में बंद कर दिया, मतलब 4 की पहले a से फिर 4 की b से। अब c माइनस ये जो है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इक्वल टू में क्या है, बड़े ब्रेकेट के साथ इक्वल टू में जीरो है, ओके क्लियर, ओके।
अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको ओपन करेंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab नहीं सॉरी 2bc है, फिर माइनस का साइन है, फिर ब्रेकेट लगा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले 4a की मल्टीप्लाई करेंगे c से, फिर 4a की करेंगे माइनस के a से, तो 4a का काम इसमें भी हो गया, 4a का काम इसमें भी हो गया। अब हम करेंगे माइनस 4b की, माइनस 4a की मल्टीप्लाई c से और माइनस 4b की मल्टीप्लाई a से, तो मतलब बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी इन दोनों से फिर इसकी इन दोनों से, बात करता हूँ। पहले 4a की करेंगे c से, तो जब 4a की c से करेंगे तो आएगा हमारा 4ac, यही तो आएगा, क्लियर। अब 4a की करेंगे माइनस के a से, तो माइनस का साइन है तो माइनस का लग गया, इसकी जब इसकी करेंगे तो आ जाएगी 4a स्क्वायर, ये 4 है, ये ऐसे का वैसे लिखा हुआ है, और a की मल्टीप्लाई होती है a स्क्वायर, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अब 4a की दोनों से निपट गई, अब करेंगे माइनस की 4b से c की मल्टीप्लाई, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब जब 4b की c से करेंगे तो हो जाएगी 4bc, कितनी हो जाएगी 4bc। अब 4 माइनस की 4bc सॉरी माइनस की 4b से माइनस की 4a से कराएंगे, सॉरी माइनस की 4b की मल्टीप्लाई माइनस की a से कराएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4b की जब ऐसे कराएंगे तो कितनी हो जाएगी 4ab, यही तो होगी, चेकआउट करिए सब सही है, ओके। अब ये जो चीज़ है ये ऐसे की ऐसे लिखी हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, इसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है। फिर अब देखिए माइनस को अंदर भेज देंगे, अब होता है माइनस का काम शुरू, अगर आप यहाँ पे ब्रेकेट अप्लाई नहीं करते तो आप माइनस को अंदर ही नहीं भेजते तो हमारा क्वेश्चन बनता नहीं, तो ब्रेकेट अप्लाई जरूर करना है। अब माइनस को हम अंदर भेजेंगे, तो देखिए पहले माइनस करेगा इससे, फिर माइनस करेगा इससे, फिर माइनस करेगा इससे, तो माइनस करेगा इससे। सीधी सी बात आप समझिए, अगर कोई भी माइनस ब्रेकेट के अंदर एंटर करता है या ब्रेकेट के बाहर निकलता है तो सारे साइन चेंज कर देता है, तो इसके अंदर के जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो जो 4ac प्लस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का 4ac, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा 4bc, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 4ab, क्लियर। इतना हमारा आ गया, ओके क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे पास समझिएगा, यहाँ पे लिखा है देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाले हम एक साथ ले ले रहे हैं, तो प्लस के प्लस का 4a स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, फिर प्लस का b स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया, और प्लस का सी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया, मतलब तीनों चीज़ें हमने, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना देखने में, अच्छे टाइप का लग रहा है, तो हमने तीनों को एक साथ लिख लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे समझिए, आपने नाइन्थ क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, और बल्कि आप टेंथ में भी पढ़ी होगी, ये आइडेंटिटी ये होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है बताइए, सही बताइए, पढ़ी है ना, हाँ पढ़ी है। तो देखिए मैं फिलहाल अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तब भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिटी ये होती है, देखिए ये आइडेंटिटी ये होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, क्या होता है, प्लस का 2ca, ये होती है आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। अब हम आइडेंटिटी यहीं पे लगाने वाले हैं पूरी तरीके से, देखिए किस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर वाला स्क्वायर 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 वो हमारा यहाँ पे मिल गया, a b c मिल गया, क्लियर है। अभी आपको मैं और ओपन करके दिखाने वाला हूँ, इसे समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होता है ए बी, फिर पहले क्या होता है ए बी, तो ए बी वाला कौन सा ढूंढिए, ए बी वाला, ए बी वाला ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो माइनस का 4ab, ए बी के बाद क्या है, बी सी वाला, तो बी सी वाला कहाँ भैया, कहाँ ये ना बी सी वाला, तो बी सी वाला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद बी सी, फिर क्या है इसमें बी सी निकल गया, फिर है सी ए, सी ए वाला कहाँ है, सी ए वाला ये है, तो माइनस का 4ac लिख लो चाहे सी ए लिख लो, एक ही बात है, आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम इसी आइडेंटिटी को ओपन करने वाले हैं किस तरीके से, देखिए ये जो 4a का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, आप इसको ओपन करके देखिए, फिर से आपको यही मिलेगा, 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 की दो बार मल्टीप्लाई 2 into 2, 2 2 4, ए की पावर 2 है तो ए की पावर 2 लिखे, मतलब जो स्क्वायर है वो इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इतना ही आएगा। फिर ये लिखा बी का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए, सी का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक। अब फॉर्मूले में फिर होते देखिए, अब बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, मतलब जो इस ब्रेकेट के अंदर लिखा है वो पूरा ए है, ये पूरा 2a जो है ये ए है हमारा, समझ गए कि नहीं। अब फॉर्मूले में होता है प्लस, फिर फॉर्मूले में क्या होता है प्लस, मैंने लगा दिया प्लस, ठीक। फिर होता है फॉर्मूले में 2, मैंने लगा दिया 2, फिर फॉर्मूले में होता है ए, क्या होता है ए, अब मैंने ए लगाया, तो यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा कितना है, ये ए तो ए है, ए हमारा 2a, तो मल्टीप्लाई बाई 2a। फिर फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे बी,
बी, पहले मैंने ए लिखा फिर बी, बी कितना है बी हमारा, तो इस ब्रेकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वही हमारा बी है और वही हमारा सी है। इस ब्रेकेट के अंदर क्या है बी, तो इस बी के प्लेस पे हमने सिंपली बी लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अटक गई, यहाँ पे क्या आया है माइनस, यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्लस आ गया, तो यही चीज़ हमारी अटक गई है कि हम यहाँ पे माइनस कैसे बनाएं। देखिए अब माइनस बनाने का मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो मैंने खुद से ही जनरेट किया है, खुद से ही बनाया है। देखिए इन इस पूरे टर्म में देखिए कहीं माइनस है, बताइए इसको हटाइए, कहीं माइनस है नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो जगह माइनस है, यहाँ पे एक जगह ये है यहाँ एक जगह ये है, यानी कि दो जगह कहीं पे माइनस छुपा बैठा है, हमें पता नहीं है, इसको ढूंढेंगे कैसे ढूंढेंगे वो देखिए। यहाँ पे वेरिएबल देखिए इन दोनों के, जो माइनस माइनस जिनके आगे माइनस है ना उनके आगे वही वेरिएबल देखेंगे, तो इसके आगे माइनस है तो इसके वेरिएबल, इसके आगे माइनस है तो इसके वेरिएबल देखेंगे, समझ, मतलब जिसके आगे माइनस होता है वही वेरिएबल देखते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल में देखिए कॉमन वेरिएबल कौन सा, कॉमन का मतलब कि जो दोनों में आ रहा है, तो देखिए बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, लेकिन ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यानी कि ए वो वेरिएबल है जो माइनस छुपाए बैठा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा पहले, जी हाँ यहाँ लगेगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, अब लगेगा ब्रेकेट, आई बात समझ में कि नहीं, यहाँ लगेगा माइनस, तो जो ए है हमारा वो नॉर्मल ए नहीं है, वो हमारा जो ए है वो है माइनस का टू ए, माइनस का टू ए, क्लियर। अभी माइनस और प्लस माइनस बना देंगे, क्लियर। अब देखिए फिर प्लस का, फिर फॉर्मूले में होता है प्लस का, फिर होता है टू, टू इंटू बी, फिर फॉर्मूले में होता है बी, बी कितना हमारा बी, तो बी है, तो फिर होता है सी, सी हमारा सी तो सी है, फिर देखिए फिर होता है फॉर्मूले में प्लस, फिर प्लस, फिर होता है टू, फिर टू, फिर कितना है सी, फिर कितना फॉर्मूले में सी, तो सी कितना हमारा, सी तो सी है। अब फिर है ए, ए कितना हमारा, ए हमारा माइनस का टू ए है, ए कितना है हमारा माइनस का टू ए, क्लियर। तो बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का टू बी सी प्लस का टू सी ए, बन गया कि नहीं बन गया, यही आइडेंटिटी बनी है। फिर इस बात को फिर से समझ लीजिए, जो माइनस मैंने कैसे निकाला कि जो भी माइनस वाले हैं, ये एक तो ये माइनस वाला, दूसरा ये माइनस वाला है, इन दोनों में देखिए कॉमन वेरिएबल कौन सा है, सेम वेरिएबल कौन सा है, तो ए और ए दोनों में आ रहा है, तो यानी कि ए में माइनस है, तो इस ए यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी ए में माइनस आएगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये फॉर्मूला हटा दूं मैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है, ये आइडेंटिटी हमारी बन गई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए कितना है हमारा माइनस का टू ए, प्लस बी कितना है हमारा बी है, प्लस सी कितना है हमारा सी है, तो इसका होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। और इक्वल टू में क्या चल रहा था, अरे भाई इक्वल टू में तो जीरो चल रहा था, वो तो हम लगाना ही भूल गए, जीरो चल रहा था, क्या चल रहा था, जीरो, इक्वल टू में जीरो चल रहा था, क्लियर। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है माइनस की टू ए प्लस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, अब आप कहेंगे सर स्क्वायर क्या चला गया, स्क्वायर इधर जाके क्या कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको ये बात 10 बार बताई है कि एक स्क्वायर है वो स्क्वायर जो है इक्वल टू के इधर उधर जाता है, पावर टू जो है इक्वल टू के इधर उधर जाती है, तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्क्वायर जो इधर गया, स्क्वायर जब इधर गया तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, जीरो का अंडर रूट होता है टू, इसलिए स्क्वायर यहाँ से हट गया, सॉरी जीरो का अंडर रूट होता है जीरो, ओके। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, हमको बी और सी को एक साथ लाना है, जो प्रूफ करना है हमको उसको भी देख के चलना पड़ेगा, जो प्रूफ करना है ऐसे आप प्रूफ नहीं कर दोगे, तो हमको बी और सी को एक साथ लाना है, तो बी और सी को हम एक साथ ले आएंगे, तो ठीक है बी और सी को एक साथ ले आएंगे, इसके साथ ए वाला तो है ही नहीं, इतने को देखे नहीं, इतने वाले पार्ट को इसमें ए तो है नहीं, तो जो ए वाला है वो इक्वल टू के इधर चला जाएगा, तो माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही तो इक्वल टू में आ रहा है, तो देखिए प्रूफ हो गया, देखिए देखिए यही तो है ना, प्रूफ्ड हो गया भाई, हो गया। 4 नंबर के क्वेश्चन जो मैंने कराए सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, उससे फिर कम नहीं आएंगे, तो अगर क्वेश्चन में पेपर में आ गए तो एनसीईआरटी से भाई कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप टॉप नहीं कर पाओगे, अगर आपको टॉप करना है फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो हमारा बी प्लस इज इक्वल टू 2a प्रूफ हो गया, जो आप ये सोचेंगे जीरो क्या हुआ, देखिए जो प्लस का 2a इधर गया तो माइनस का था ना, माइनस का इधर गया तो प्लस में हो गया, अगर जीरो में आप कोई भी चीज़ ऐड करो, फॉर एग्जांपल ये 2a है यही ऐड कर दो तो भाई 2a ही तो रहेगा, जीरो में आप कुछ भी ऐड करो तो वो वही नंबर रहता है, तो वही नंबर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा प्रूफ हो गया, अब मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन, तो तैयार रहिए, ओके। ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हैं ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, जी हाँ जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बस उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं, ये जो है ना ये इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये क्वेश्चन ये आंसर, यहाँ पे देखिए दो आंसर हैं, दो आंसर क्यों हैं, क्योंकि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूल होता है
कि इसमें जो x की वैल्यू आती है यानी कि जो x के रूट्स आते हैं वो हमेशा दो आते हैं, यानी कि दो आंसर आते हैं। मैंने आपको समझाया है, बताया है, तो सबके देखिए दो दो आंसर है, तो आपके जो भी आंसर आएंगे वो दो दो आंसर आएंगे। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो प्रूफ करवा रहा है, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया ना, बस उसी तरीके उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आप इसको ट्राई करिए और हो जाए तो मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मैं देखना चाहता हूँ कि किसने इसको सीखा और किसने नहीं सीखा। तो अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्प होती है, और लाइक करिए। और जो आपके स्टूडेंट हो, मतलब जो आपके फ्रेंड लोग हो जो नहीं ट्यूशन कोचिंग अफोर्ड कर सकते, उनको इसके बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, उनकी बहुत हेल्प होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।